पास से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। आपको बता दें कि मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामिया मुठभेड़ में किया गया है गिरफ्तार। शातिर अपराधी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज किए गए हैं। आरोपी के पास से बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस हुए बरामद। प्रयागराज से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी हुआ गिरफ्तार। शातिर अपराधी के खिलाफ कई मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विनय मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? ये जानकारी के लिए बता दें कि प्रयागराज थाना करछना में हुई पुलिस की मुठभेड़ में जो है 25,000 का इनामी अपराधी दीपक सिंह उर्फ राहुल घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। अब दीपक हरनाम सिंह का जो है ये पुत्र है, जो है लालगंज जनपद का ये रहने वाला है और यह शातिर अपराधों में लिप्त रहा है। ये इसके विरुद्ध जो है 5 मुकदमे लूट डकैती जैसी संगीन धाराएं दर्ज है। इनमें से 4 मुकदमे जनपद जो है प्रतापगढ़ के हैं। ये 16 मार्च 2022 को थाना करछना में मंगला प्रसाद पांडे की हत्या में फरार चल रहा था, जिसके कारण ये गिरफ्तारी हुई है। जी जी, मौके से क्या कुछ बरामद हुआ है विनय? जी, मौके से जो है ये 315 बोर का एक जो है तमंचा और 2 जिंदा कारतूस जो है पुलिस द्वारा जो है बरामद किया गया है। इसमें एक बाइक है और जो है तमंचा भी जो है बरामद किया गया है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस ने हासिल की है।